नमस्कार दोस्तों, और सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझको व्हाट्सअप कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्रैश मार्केट के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है, और अगर मार्केट में क्रैश आ गया तो हम मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लें क्या, इक्विटी में से निकल जाएँ, ये कर लें वो कर लें। तो यहाँ पर मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं निकल के आ रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि अभी करेंटली मार्केट के अंदर क्या साइकिल चल रही है, ठीक है। क्योंकि तब जब तक पूरी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, क्रैश नहीं आएगा, ठीक है। ये बात को आपको समझना होगा। तो हम फटाफट से चेक कर लेते हैं कि क्या साइकिल चल रही है, ठीक है। और देखो, ये साइकिल जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये मेरे खुद के एनालिसिस है, तो मेरे हिसाब से है। यहाँ पर कमेंट्स में ये मत डालना कि मेरे हिसाब कि आपकी साइकिल गलत है, और ये जो अभी तो ये नहीं चल रहा, अभी तो ऐसे है, अभी तो वैसे है, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग अपनी अपनी एनालिसिस खुद करते हैं, ठीक है। मैं किसी के एनालिसिस को गलत नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो भी मैं दिखाऊंगा वो मेरी खुद की एनालिसिस है, तो जिससे मैं पूरी की पूरी एक साइकिल कवर करूँगा, ठीक है। और ये साइकिल जो है वो आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो, हम मार्केट के चार्ट को लेते हैं। ये है निफ्टी, मैंने मंथली चार्ट लिया हुआ है। आपको एक चीज़ समझाई थी मैंने, क्या समझाया था कि भाई टोटल फाइव वेव्स में मार्केट की साइकिल कंप्लीट होती है। कितनी वेव में कंप्लीट होती है? पाँच वेव में, 1 2 3 4 5, इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो टोटल पाँच वेव में अगर मार्केट की साइकिल कंप्लीट होनी है, ठीक है जी। सो यहाँ पर अब देखेंगे आप, तो जो भी यहाँ पर क्रैश होता है, ठीक है, जो भी क्रैश पहले हुए हैं 2008 में, या फिर एक कह सकते हो आप 2020 में भी हुआ, ठीक है, 2000 में भी हुआ, तो ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल करने के बाद एक क्रैश आता है, ठीक है जी। पूरी साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक क्रैश आता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुई, फिर ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, तो अब जो है नई साइकिल चल रही है। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर साइकिल क्या होता है वो समझ लेते हैं। टोटल अपसाइड जाने के लिए मार्केट पांच वेव में चलता है, ए बी सी डी और ई। ये ई जो होता है ये मार्केट का टॉप होता है, और ये जो बॉटम होता है वो ए से चालू होता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रैश आता है, ये एक टोटल साइकिल काउंट होती है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर एक साइकिल, ये दो साइकिल और ये तीन साइकिल ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे। अगर देखो, वैसे तो अगर मैं पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर देखूँ तो मार्केट की साइकिल तो यहीं से चालू हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब आपको, मतलब ये तो एक वो वाली साइकिल है जो अभी बहुत लंबे समय से चल रही है, इस साइकिल को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं 2020 के बाद वाली साइकिल को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं मंथली चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। तो मैं मंथली चार्ट ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मंथली चार्ट अगर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं देखो, जो भी ऊपर की वेव्स होंगी वो पाँच वेव में कम जाती हैं, कल भी सिखाया था, आज फिर बता रहा हूँ। जो करेक्शन होता है वो आपका तीन वेव या पांच वेव में कंप्लीट होता है, ये करेक्शन होता है, ये ऊपर जाने वाली वेव्स होती हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अभी हम काउंट करेंगे तो हमको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। एज़ पर द रूल देख सकते हो आप, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, ये पूरे पाँच वेव मिला के क्या बन गया, एक आपकी, इसको कह सकते हो आप वेव, एक वेव बन गई, ठीक है। ये पांच मूव मिला के आपकी एक वेव बन गई, तो ये क्या हो गया, ये वेव ए कंप्लीट हो गया। अब करेक्शन मैंने बोला था तीन वेव में या पांच वेव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट पहले नीचे आया एक वेव में, ये सेकंड वेव में और ये थ्री वेव में, तो यहाँ पर ये करेक्शन पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बन गया आपकी वेव ए, ये आपकी बन गई वेव बी, ठीक है। अब मार्केट कहाँ है, अब वेव सी में है मार्केट,
ठीक है, ये क्या हो गई वेव ए, ये वेव बी। तो अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि पांच वेव में मार्किट ऊपर जाती है, किसी भी वेव में पांच मूव होने ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ पे देखो, एक मूव, दो मूव, ठीक है जी, यहाँ पर ये अब थर्ड मूव चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, थर्ड मूव चल रहा है, ठीक है जी। तो क्या यहाँ पे अभी साइकिल कंप्लीट हो गई? आंसर इज नो। क्या है आंसर इज नो। तो अभी क्या हो रहा है, ए बी और ये सी चल रही है, ठीक है, सी चल रही है, बात क्लियर हो गई। और ये मंथली मैंने कवर किया है, तो अभी ये साइकिल जो 2020 में चालू हुई थी वो अभी साइकिल चल रही है, ठीक है। तो क्या अभी क्रैश आएगा? आंसर इज नो। हाँ, अभी जो ये सी चल रही है, इसके बाद डी भी आएगी, तो डी में भी आपका मार्केट गिरेगा 15 से 20%, ठीक है, 10-15% तो गिर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 10% भी गिरा तो वेव डी बन जाएगी। मुझे नहीं पता देखो कितना गिरेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिरा था ना, यहाँ पर, ठीक है, मतलब 3-4 हज़ार पॉइंट कभी भी मार्केट गिरेगा ना, तो उसको वेव डी बोलेंगे। ओवरऑल पॉइंट्स में सुन लो, परसेंटेज में मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, परसेंटेज में फिर आप कहोगे अरे ये तो 10% तो बहुत होता है, ठीक है, तो मैं अभी परसेंटेज में नहीं कह रहा। जैसे कि यहाँ पर 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट गिरा था, ऐसे यहाँ पर अगर गिरता है तो वेव डी काउंट होगी वो, उसके बाद फिर एक वेव ई आएगी, तो यहाँ कहीं जाकर आपका ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, और वो कहीं जाकर आपका मार्केट का साइकिल पूरा करेगी। और साइकिल ये तो बुलिश साइकिल पूरी होगी, उसके बाद करेक्शन भी आता है, तो करेक्शन फिर या फिर क्रैश जो आएगा वो तब आएगा। बात समझ में आ गई? तो आज के बाद मेरे को ये मत मैसेज करना कि क्या कहते हैं यहाँ पर आपका मार्केट के अंदर क्रैश आने वाला है, डर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्रैश आपकी साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही आएगा। अभी सी वेव चल रही है, सी वेव में भी आपके पांच मूव होते हैं, तो एक दो, अभी ये तीसरा चल रहा है, अभी चौथा भी आएगा और फिर पांचवा आएगा, तब जाके सी वेव कंप्लीट होगी, ठीक है। तो वही, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है, बहुत टाइम है, अभी छोटे मोटे डिप आते रहेंगे, उनसे मत घबराना, लेकिन अभी क्रैश का कोई भी सिनारियो नहीं है। बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रेगुलर एनालिसिस पे आते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, ये है डी, सॉरी ये है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पे। अब एक बात समझा देता हूँ, यहाँ पर ये क्रैश आया था, ये क्रैश तो नहीं था, सॉरी, ये एक डिप था 5% के आसपास का, ठीक है। यहाँ पर मार्केट का 127% के ऊपर, क्योंकि ये चालू हो चुका है, तो यहाँ पर अब जो चल रहा है ना वन डे के साइकिल पे, ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम में, मतलब मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, अभी मैंने आपको बताया था, आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, मंथली एक बड़ी टाइम फ्रेम पे, और पूरी साइकिल समझाई थी। तो ये एक नया, ये सबऑर्डिनेट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट चला है वो ये आपका ए है, ये आपका यहाँ पे बी है, अभी जो चल रहा है वो सी चल रहा है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो अब देख लो खुद ही कि पांच वे में पूरा होता है वह जो अभी मैंने सिखाया था, ए बी, ठीक है, ये सी बड़ा वाला, ये डी और ये ई, पांच वे में पूरा हुआ ना, तो ये क्या हो गया, पूरी पांच मूव मिला के ये बन गया यहाँ पे ए का टॉप, फिर ये बन गया आपका बी, अब जो चल रहा है वो चल रहा है सी, ठीक है, और ये सी कहीं ना कहीं इस वाले टॉप के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होगा, ठीक है, फिर आएगा डी वन डे के ऊपर, और फिर आएगा ई, तो वन डे के ऊपर भी जो है अभी साइकिल में सी ही चल रहा है। बात क्लियर हुई? चलो, तो यहाँ बन गया ए, यहाँ बन गया बी, अब ये चल रहा है सी, ठीक है। अब सी में भी चेक कर लो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, तो अभी भी सी पूरा होने में टाइम है, क्लियर। तो इसलिए फालतू के मैसेजेस मत करो और डरो मत मार्केट में, ठीक है, फ़िलहाल तो मत डरो, ठीक है। और देखो डिप आएंगे, यहाँ पे भी 2 दिन का डिप आया था, सब कहने लगे क्रैश क्रैश क्रैश, ऐसा नहीं होता, साइकिल को पूरा होने दो, जब तक साइकिल पूरी नहीं होगी तब तक आप कुछ भी यहाँ पर इस टाइप का मैसेजेस मुझे मत
करना, ठीक है जी, समझ गए। तो बहुत बड़ी साइकिल जो है उसमें भी सी चल रहा है, डेली पे भी सी चल रहा है, तो अभी तो डी और ई आएगा, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं हम सोचेंगे कुछ, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, बहुत डीप समझा दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा मैसेज। अब यहाँ पर क्योंकि ये इसमें अब हम 1 घंटे के ऊपर स्टडी कर लेते हैं फटाफट से, और हमने क्या बातें की थी वो हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये है, यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है, बी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, अब ये सी चल रही है, ठीक है। तो बहुत क्लियर है स्टडी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या स्टडी क्या है, जैसे कल समझाया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर आपका 38 सॉरी यहाँ पर मार्केट के अंदर आपका 38% तक मार्केट का रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी और ये ई चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आपका चल रहा है, तो ये आपका डी बन गया, अब ये ई बनना है, ई बनना है तो ये परफेक्ट रिट्रेसमेंट है, तो ई बनना है तो कहीं ना कहीं इसके हाई के ऊपर एक बार जाना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो कितना जा सकता है, ठीक है, जितना देखो तीन तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं सॉरी बेसिकली, ठीक है, होते तो तीन है बट मैं अभी आपको दो ही बताऊंगा। जितना वेव ए का मूव होता है डी से, आपका वेव ई का मूव भी कम से कम उतना तो आ सकता है, ये पहला तरीका है, ठीक है जी। उसके बाद अगर वेव सी लंबी है तो वेव ई बहुत बड़ी नहीं बनेगी, वेव सी ई जो है छोटी ही बनेगी, यानी कि डी के बाद ई मूव जो है वो छोटा ही रहेगा, ठीक है, स्मॉलर रहेगा। तो पॉइंट क्या निकल के आता है, पॉइंट क्या निकल के आता है, समझो कि वेव ए जो मूव आया है वो आया है 472 और जो लो है वो है 893। 472 प्लस 893 कितना होता है, 279। ये हो गया 579, इट मीन्स 579 में प्लस कर देंगे हम लो, कौन सा, ये वाला डी वेव का लो कौन सा है, ये 24753। तो कम से कम मार्केट को तो इतना तो कम से कम आने दो, ये कम से कम इसके ऊपर भी एक टारगेट होता है, ठीक है, वो अभी नहीं बता रहा, बट ये फर्स्ट टारगेट तो कम से कम आप रख लो 25332, ठीक है, इतना 25332। तो यानी कि पिछली बार कहाँ था, मतलब यहाँ पर अगर ये रीटेस्ट कर ले तो आपका ई वेव का पहला टारगेट तो कम से कम हो ही जाएगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब सब कुछ अगर फेल हो जाए तो आपका ये वाला जो स्टॉप, ये वाला जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात। चलो अब बढ़ते हैं, निफ्टी हो गया, तो अभी भी निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट में प्राइडक्शन में ये समझ लो। दिक्कत जो है वो ये है कि आपको लग रहा है डर, तो उस डर का इलाज नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी इसमें देखो आप, ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया था, ठीक है, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है डी, एंड ये क्या है, अब क्या बनेगा, ई बनेगा। और ये पांचों वेव मिलाकर, फिर ये पांचों मूव मिलाकर, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट हैं 1 घंटे के ऊपर, ऐसे ही निफ्टी में पांचों मूव मिला के तब जाके वो बनेगा ए, एक वेव कंप्लीट होगी। सो अभी बहुत लंबा टाइम साइकिल है और बहुत लंबा अभी आपका क्या कहते हैं पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं हो रहा, क्रैश व्रैश कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है जी, समझना इस बात को। तो इसमें भी वही चीज़ रखोगे अगर आप, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो ये जो लो है
पॉइंट देखो ना, कितना पॉइंट है, यहीं पे काउंट कर लेते हैं। चलो ये प्राइस, ठीक है, यहाँ से आपका जो ये हाई है वो फर्स्ट टारगेट ले लेते हैं हम। चलो ठीक है, 1171 पॉइंट का है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर भी टारगेट होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके ऊपर भी टारगेट होते हैं, बट वो मैं मेंबर्स के साथ ही शेयर करूँगा अभी, ठीक है, इस वीडियो में तो अभी नहीं करने वाला, आगे मन किया तो वीडियो में ज़रूर करूँगा, बट अभी मेरा जितना मन कर रहा है मैं अभी उतना, क्योंकि देखो आपको ना फिर वो, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ना फिर कमेंट्स आते हैं, अरे इतना ऊपर नहीं जाने वाला, अरे आप तो ये बातें कर रहे हो, तो मतलब मुझे फिर वो टाइम वेस्ट लगता है कि उन कमेंट्स को पढ़ना, और फिर मतलब तो आप समझ रहे हो, टाइम आने पे मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, मेंबर्स को हर चीज़ एडवांस में क्लियर रहती है, ठीक है, बट पब्लिकली बोलना कुछ भी तो इट इज़ नॉट गुड, क्यों, क्योंकि कमेंट्स में फिर वो लोग आपके कमेंट सेक्शन को गंदा करते हैं, ठीक है जी। तो कम से कम अभी भी 1188 पॉइंट का मूव, जो कि अभी ऑलमोस्ट 51,500 तो है ही, जो कि अभी नहीं आया है, तो मतलब अभी भी इसके ऊपर। और देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी में ना ये वाला हाई कटना चाहिए, और जब अगर ये वाला हाई कटा तो ये टारगेट के बाद एक और टारगेट आएगा, ठीक है, टाइम आने पे शेयर करूँगा। तो ओवरऑल जो प्राइस एक्शन में अभी अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन जो अभी है निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का एक ही है क्या, कि डिप आता है तो बाय करो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस याद रखना, स्टॉप लॉस में कल भी बात किया था, आज ही बात कर रहा हूँ, तो आपका अभी बाय इन डिप ही है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते निफ्टी बैंक निफ्टी को, जब तक ये लो ना टूट जाए, कल के लो जब तक ना टूट जाए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। बात क्लियर, समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बहुत बड़ी हो गई वीडियो, आई थिंक हो गई होगी, हाँ जी 17 मिनट की हो गई, 2 मिनट में आपकी एनालिसिस कंप्लीट कर देता हूँ। ट्रेडिशन आपको समझ में आ चुका है, FISDIs क्या कर रहे हैं, FIIs यहाँ पर क्या कहते हैं, बाई कर रहे हैं, FIIs अभी सेलिंग मूड में है नहीं, तो सेलिंग कर नहीं रहे, तो इसका मतलब मार्केट गिरेगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन चेंज से पहले डाटा देख लेते, डाटा जो है अभी भी बुलिश है, लेकिन ये थोड़ी सी पोजीशन कम तो की हैं, लेकिन अभी जो बंदा नहीं की, तो इनके पोजीशन कम होने का वेट हो रहा है, हो सकता है एक आधा दिन यहाँ पर मार्केट होल्ड करके आपका प्रीमियम खाए, ठीक है, बट बैंक निफ्टी में अंडर एस्टिमेट मत करना। ऑप्शन चेन देखते हैं क्या कर रहा है, ऑप्शन चेन निफ्टी के अंदर क्या कह रही है, 12 सितंबर, देखो सारे कल की तरह कोलैटरल निकल रहे हैं अभी भी, और यहाँ पर पुट राइटिंग ऐड हो रही है, सबसे बढ़िया 25,000 के ऊपर पुट राइटिंग ऐड हुई है, और 25,100 के ऊपर भी हुई है, ठीक है, 25,150 पे भी हुई है, और मतलब ओवरऑल मतलब ठीक है, बुलिश ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन बुलिश है, पेरेशन बुलिश है, बायोन्डिप है, टारगेट अभी ऊपर के हैं, बट कल का लो नहीं टूटना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। FIIs इक्विटी में बाय कर रहे हैं, डाटा ऑलरेडी यहाँ पे धीरे धीरे बुलिश होना शुरू हो चुका है, तो ओवरऑल अभी भी जो कहानी है वो यही है कि ठीक है, अभी एक अप मूव अप एक अप मूव अभी बाकी है, वो कल आएगा या परसों आएगा वो हमें देखना होगा, बस वही चीज़ हमारे को यहाँ पर मार्केट खुद बताएगी। फिलहाल दोस्तों फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।